हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के तीन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा क्या, उन तीनों टॉपिक को इतना अच्छे से समझेंगे कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका इससे बाहर ना जाए और तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ जाए। जिनमें पहला आज का टॉपिक हमारा होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसके प्रकार जानेंगे और भारत में या विश्व में कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी है जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, जहाँ से प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न बन जाता है। तो ज्वालामुखी का टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद भूकंप के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो ये भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और तीसरा टॉपिक जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं उसका नाम है वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, इनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक से आपको समझाया जाएगा, जहाँ बिना ट्रिक के काम चल जाएगा वहाँ बिना ट्रिक के काम चलाएंगे। सो गाइज, ये आपकी पर्यावरण अध्ययन की 9th क्लास है। इससे पहले आपकी 8 क्लासेस हो चुकी है, अभी तक ज़्यादा कुछ पहले नहीं हुआ है। जितना इम्पोर्टेंट है वही सब चीज़ें पहले कराई जा रही है। और अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी है तो उनको आप ज़रूर से देखें, एक दिन में बैठ के आप उनको पूरा कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, तो पिछली क्लासेस बेहद महत्वपूर्ण है, उनको ज़रूर कवर कर लें। तो एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक कवर करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि हम हमेशा क्या करते आ रहे हैं कि पहले हम एक टॉपिक को समझ रहे हैं, देन अगले दिन उसी टॉपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उन सभी की क्लास में लेकर के आपके लिए आती हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए, पूरे उत्साह के साथ। तो एक बार फटाफट से आप सभी लिंक को कॉपी कर अपने सभी मित्रों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं और क्लासेस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपको नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है ज्वालामुखी, इसके बारे में जानेंगे। और जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको साक्षात ज्वालामुखी के दर्शन करवाना चाहूँगी, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और ज़्यादा सीखेंगे भी आप उसको देख करके। तो गाइज, ये आप जो इमेज देख रहे हैं ऐसा होता है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी कहते किसे हैं, तो ये एक तरह से एक पहाड़ होता है और इसके नीचे क्या भरा हुआ होता है, पिघला हुआ लावा भरा होता है, मैग्मा भरा हुआ होता है। जब हमने कल चट्टानों के बारे में जाना था और साथ ही हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी थी कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है, तो वहाँ मैंने आपको मैग्मा के बारे में भी बताया था, जो कि आउटर कोर में आपका मैग्मा मिलता है, यानी धातुएँ, पत्थर, गैसें पिघली हुई अवस्था में ये पत्थर और धातुएँ भरी हुई होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब पहाड़ के ऊपर या आप कह लीजिए कि जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है मैग्मा के कारण, या प्रेशर के आप कह सकते हैं कि गर्मी के कारण जब वहाँ बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है तो उसके ऊपर का जो ये पहाड़ होता है ये फट जाता है। और जब ये फटता है इसको ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का नाम देते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी फटेगा तो क्या होगा भाई, इसके अंदर से जो जलता हुआ आपको ये चिंगारी दिख रही है, जलती हुई आग दिख रही है, इसमें से क्या निकलेगा, पिघली अवस्था में पत्थर निकलेंगे, है ना, बहुत सारी गैसें निकलेगी और धातुएं निकलेगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लावा, धधकती हुई आग इसमें से निकलेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका ज्वालामुखी का फटना या ज्वालामुखी का उद्गम, ठीक है। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का फटना या ज्वालामुखी का उद्गम। और इसी के साथ और क्या कारण हो सकता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, इसकी वजह से ज्वालामुखी फटता है। साथ ही साथ जब प्लेट आपस में टकराने लगती है, जो प्लेट होती है ज़मीन के अंदर वे आपस में टकराने लगती है, तो तब भी ज्वालामुखी का उद्गम होता है, ज्वालामुखी फटता है। समझ में आ गई बात, इसके कारण ज्वालामुखी के फटने से भूस्खलन यानी भूकंप जिसको आप कह देते हैं, बाढ़, ये सभी इसके कारण, सॉरी, इसके क्या बोलते हैं, परिणाम हो सकते हैं, भूकंप आना ज्वालामुखी के फटने से। तो चलिए अब हमने मोटा मोटा इसके बारे में जान लिया है, अब फैक्ट्स पर आते हैं जो आपके एग्जाम पेपर में
पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वोल्केनो यानी ज्वालामुखी की। क्या कारण होता है ज्वालामुखी के फटने का या ज्वालामुखी उद्गम का? तो मैंने बताया है कि जो पृथ्वी के नीचे या जमीन के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो मैग्मा भरा हुआ है पृथ्वी के नीचे वो बाहर निकलने का प्रयास करता है और जो पर्वत होता है, पहाड़ होता है, वो फट जाता है और उससे मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, दूसरा कारण मैंने आपको क्या बताया कि प्लेटों के टकराने से या उनके गति करने से भी दरार पड़ जाती है और उस दरार से मैग्मा बाहर निकलता है। ये सब कारण होते हैं आपका ज्वालामुखी उद्गम के या उद्गार के। ठीक है, अब ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो एक विस्फोट के साथ होगा, ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे लावा बाहर निकलेगा। अब अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है तो जब पहाड़ फटेगा तो प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, उसके अंदर जो भी भरा है, मैग्मा भरा है, तरल पदार्थ भरे हुए हैं, तो विस्फोट के साथ बाहर निकलेगी और बहुत तेज़ ध्वनि उत्पन्न होगी। और कितने डेसिबल की वो ध्वनि होगी तो 190 डेसिबल के लगभग की वो ध्वनि होती है। हम ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, तो 190 डेसिबल की तीव्रता से जो है वो ध्वनि उत्पन्न होगी ज्वालामुखी के उद्गार होने से, ज्वालामुखी के फटने से। और जो ज्वालामुखी के फटने से मैग्मा बाहर निकलेगा वो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस का तापमान उस मैग्मा का होगा। मैग्मा क्या होती है? जो धातुएं पत्थर पिघली अवस्था में ज़मीन के नीचे होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि आउटर कोर में मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने कल जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना था तो बहुत अच्छे से समझाया था कि कहाँ मिलेगा आपका मैग्मा, तो दोबारा से चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैग्मा की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? बहुत ही गहरा लाल, जो कि मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया था। ठीक है, तो रेड हॉट कलर होता है मैग्मा का। इसी के साथ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पहाड़ है, ठीक है, ऐसा एक पहाड़ है, यहाँ बाहर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये अंदर प्लेट्स है, ज़मीन के नीचे प्लेट्स होती है, चट्टाने होती है। ठीक है, और इसी के साथ ही ये इनके नीचे क्या भरा हुआ है, ये लाल रंग का आपको दिख रहा है, धधकता हुआ लावा या मैग्मा भरा हुआ है। और जब ये फटेगा तो ऐसे ये एक पाइप नुमा आकृति बना लेगा और इसके बाहर यहाँ से ये बाहर निकलेगा। ठीक है, जब ये लावा बाहर निकलेगा और बाहर निकल के जम के ठंडा हो जाएगा तो ये कौन सी चट्टान का निर्माण करेगा? आपको बताया था मैंने कि मैग्मा से कौन सी चट्टान का निर्माण होती है, ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। कल हमने चट्टान के बारे में जाना था तो हमने इसके बारे में बात की थी। तो मैंने आपको बताया था एक तो आपकी आग्नेय चट्टाने, ठीक है, आग्नेय चट्टाने बनती है इससे, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान में कौन कौन सी, एक तो बेसाल्ट आ जाती है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से थे? बेसाल्ट। ठीक है, तो यानी बेसाल्ट भी कैसे बनती है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। और इसी के साथ साथ आपको मैं बताऊं ग्रेनाइट, ठीक है, प्रमुख चट्टाने हैं ये, जो मैं नाम ले रही हूँ ये आपसे बार बार पेपर में पूछे जाते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इन आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जिनमें प्रमुख रूप से बेसाल्ट और ग्रेनाइट आपके पेपर में पूछा जाता है। अब जब ज्वालामुखी उद्गार होगा या ज्वालामुखी फटेगा तो क्या क्या बाहर आएगा, है ना, ये भी तो हमें जानना है कि भाई ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे क्या क्या बाहर निकलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ इस इमेज में बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, ये एक पर्वत है, यहाँ ये लाल रंग का आपको दिख रहा है जिसको मैं अभी नीला कर रही हूँ, ये यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है पृथ्वी के नीचे और ये इस पाइप नुमा आकृति वाले जगह से होकर के ये बाहर ऐसे मैग्मा ऐसे फैल जाता है। ठीक है, ऐसे ये मैग्मा क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर फैल जाएगा। अब इस पिघली हुई धातु के साथ साथ बहुत सारी गैसें भी बाहर निकलेगी, जिनमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, और धातुएं पिघली अवस्था में आग के बड़े बड़े गोले निकलेंगे, साथ ही वाटर वेपर्स भी निकलेगी, जिससे कि 81% इन हवाओं में क्या होती है, इन गैसों में क्या होती है, 81% तो वाटर वेपर्स ही निकलता है। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें बाहर निकलेगी जब क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया गैसें कौन कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हवा में मिल जाएगी तो सल्फर डाइऑक्साइड के हवा में मिलने से कौन सी वर्षा होती है,
लॉजिक समझ में आया? तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल की गैसों के साथ मिल जाएगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड के वायु में मिलने से आपकी जो वर्षा होगी वो कैसी वर्षा होगी? एसिड रेन होगी, अम्लीय वर्षा होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा के कारण आपका जो ताजमहल है, ताजमहल का रंग कैसा पड़ने लग रहा है? फीका पड़ने लग रहा है या काला पड़ने लग रहा है, किसके कारण? आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मिलने से क्या होती है, एसिड रेन होती है, उसके कारण फिर क्या होता है, एसिड रेन होती है, और एसिड रेन से जितने भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका ह्रास होने लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा लॉजिक? तो ये ज्वालामुखी के बारे में आपने मोटी मोटी सारी चीज़ें जान ली। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले तो आप ये मुझे ये बताइए कि जो आपकी ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में। और ज्वालामुखी क्रिया से कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा? तो आग्नेय चट्टानों में जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, इनका निर्माण होगा। कैसे? कि जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और गैसें बाहर निकलेगी, तो ये मैग्मा बाहर निकल करके, ये लावा बाहर निकल करके क्या हो जाएगा, ठंडा होकर जम जाएगा, और ठंडा होकर जमने के बाद इससे जिन चट्टानों का निर्माण होगा उनको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। समझ में आई बात? और ज्वालामुखी क्रिया के होने के बाद अम्लीय वर्षा क्यों होगी, बताइए कारण, अम्लीय वर्षा क्यों होगी? अभी मैंने आपको बताया, आपको बताना है कि ज्वालामुखी क्रिया के होने के बाद अम्लीय वर्षा क्यों होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे दोस्तों ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के वोल्केनोज होते हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो मुख्यतः तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, जिनमें पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, या इसको सुसुप्त के नाम से भी जानते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। तो तीन प्रकार के प्रमुख रूप से ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, सक्रिय ज्वालामुखी, और प्रसुप्त ज्वालामुखी, और सुसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा क्या होता है, मृत या शांत ज्वालामुखी। तीनों नाम याद हो गए आपको, एक तो सक्रिय, एक प्रसुप्त, और तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी। अब तीनों के बारे में समझेंगे, कौन सा कैसे, इनका अलग अलग नाम क्यों है, किस आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो पहले की बात करें सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। सक्रिय ज्वालामुखी यानी जो एक्टिव हो, एक्टिव होने का मतलब अगर ज्वालामुखी एक्टिव होगा, वोल्केनो एक्टिव होगा, तो क्या करेगा, यानी बार बार उसमें विस्फोट होते रहेंगे, बार बार उससे मैग्मा बाहर निकलता रहेगा, है ना, यानी उस ज्वालामुखी का उद्गार, यानी उस ज्वालामुखी का उद्गार जो है वो लगातार होता रहता है। उद्गार का मतलब समझ में आया, ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी क्रिया उससे बार बार होती रहती है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव वोल्केनो कहेंगे या सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे, जिससे लगातार उद्गार होता रहता है, वो शांत नहीं बैठता, उसमें से मैग्मा बाहर निकलता ही रहता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं? अब इनके नाम आप अपने नोट्स में बहुत अच्छे से शामिल ज़रूर कर ले, और गाइस जितने मैं नोट्स आपके बनवा रही हूँ इनको रिवाइज आप लोग ज़रूर करते रहे, ताकि ऐसा ना हो कि जब हमारा रिविज़न मैं आपको कराऊँगी तब तक आप भूल जाए इसको, ऐसा ना हो। ठीक है, आप अपने नोट्स को बनाते रहिए और साथ साथ रिवाइज भी करते रहिए पिछले वाले नोट्स भी। इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे आपका एक कोई टॉपिक पूरा होता है, मान लीजिए आज हमने ज्वालामुखी पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आप एक पेज खाली ज़रूर छोड़े अपनी नोटबुक में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं आपको बाद में जब रिवाइज कराऊँगी कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हूँ कहीं भी, तो वहाँ आपकी काटापीटी ना हो, आपके अच्छे से नोट्स मेंटेन रहे, आप अपनी नोटबुक में जहाँ एक टॉपिक ख़त्म हो उसके साथ ही एक पेज छोड़ते हुए चला करें, एक या आधा पेज या कुछ लाइन्स आप उसमें छोड़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम अभी पूरा अच्छे तरीके से टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ें, ताकि अगर हम कुछ ऐड भी करें तो उसमें आसानी से आप उसमें ऐड कर पाए। ठीक है, ये बात नोट रखिएगा आप। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कलायु और मोनालोआ ये दोनों ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं, और USA में ये ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको चार ज्वालामुखी के नाम देगा, कलायु और कैरे कटाओ, ठीक है, पोपा, काली मंजारो,
और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा। तो क्लाइयू और मोनालोआ सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पाए जाएंगे, यूएसए में पाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल यूएसए में मिलेंगे आपको, या अमेरिका में मिलेंगे क्लाइयू और मोनालोआ, याद रहेगा। और सबसे प्रमुख आपके लिए है भारत का, याद रखना हम भारत के निवासी हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपको भारत में कौन सा जो सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा वो याद रहना चाहिए। तो भारत का प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप, इसका तो नाम ही इंडियन है, बैरन द्वीप, ऐसा नाम इंडियन ही रखते हैं। ठीक है, इसको तो आप भीड़ में भी पहचान लेंगे, तो फिर भी आप एक बार को याद करके रखिए, बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है ये भारत में पाया जाएगा। और कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एटना ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा, इटली में। तो एटना का नाम भी इटली जैसा ही है, एटना कहाँ मिलेगा, इटली में मिलेगा। कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, स्ट्रामबोली और विसुवियस, स्ट्रामबोली विसुवियस ये दोनों भी इटली में ही मिलेंगे और सक्रिय ज्वालामुखी है तीनों के तीनों। इटली में कौन कौन से मिलेंगे, एटना, स्ट्रामबोली और विसुवियस। ठीक है, ये तीनों कहाँ है, इटली में मिलेंगे। कैसे, कौन सी श्रेणी में आएंगे, सक्रिय ज्वालामुखी की। एक बार फिर से देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, जिससे बार बार उद्गार होता रहता है, लगातार होता रहता है। और भारत का प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। कौन सा है, बैरन द्वीप है। क्लाइयू और मोनालोआ ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए में। और एटना, स्ट्रामबोली, विसुवियस ये ज्वालामुखी कहाँ मिलेंगे, आपके इटली में मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा, आप इसको दो तीन बार भी अगर पढ़ के रहे होंगे तो आपको तुरंत ऑप्शन देख करके याद आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा कौन सा कहाँ का है। ये तो हमने जाना सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, अब हम बात करेंगे प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। बात एक ही है, प्रसुप्त कह दो या सुसुप्त कह दो। अब प्रसुप्त या सुसुप्त का मतलब क्या होता है, सोया हुआ। ठीक है, क्या होता है, सोया हुआ। सोया हुए, अगर कोई इंसान सोया हुआ है तो यानी वो कभी भी उठ सकता है, ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा सोया रहेगा, यानी उसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। लंबे समय से नहीं हुआ है लेकिन कभी भी हो सकता है और होने की संभावना उसमें रहती है, यानी उसके जागने की, उठने की संभावना रहती है। सुसुप्त का मतलब सोया हुआ ही होता है। ठीक है, लंबे समय से जिसमें कोई उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन होने की संभावना है, उसको हम कैसा ज्वालामुखी कहेंगे, सुसुप्त कहेंगे। एक तो कैसा था, जिसमें लगातार उद्गार हो रहा था। दूसरा कैसा है, सुसुप्त यानी सोया हुआ, जो कि सोया हुआ है कभी भी उठ सकता है, वो किस में आ जाएगा, सुसुप्त ज्वालामुखी में आ जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से हैं, ये नारकोंडम, पहला क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में मिलेगा। ठीक है, कहाँ, अंडमान और निकोबार में, नारकोंडम, ये नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है कैरकटाओ, कैरकटाओ ये ज्वालामुखी आपको कहाँ मिलेगा, कैरकटाओ ये मिलेगा आपको इंडोनेशिया में, कहाँ, इंडोनेशिया में। ठीक है, और फ्यूजियामा, फ्यूजियामा आपको मिलेगा कहाँ, जापान में, फ्यूजियामा जापान में। ठीक है, जापान में, याद हो जाएगा सब कुछ। तो इसको बहुत ध्यान से आपको सीखना है और दो तीन बार इन नामों को ज़रूर रिपीट करना है क्लास होने के बाद भी, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नारकोंडम कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार में। बैरन द्वीप भारत का प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, अब ये दो के बारे में हमने जान लिया, सक्रिय और सुसुप्त ज्वालामुखी। अब तीसरे की बारी आती है, शांत या मृत ज्वालामुखी। अब ये कौन से होते हैं दोस्तों, इनमें लंबे समय से कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और ना ही होने की संभावना दिख रही है, उनको हम शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अब कौन कौन से प्रमुख शांत ज्वालामुखी है, पहला है पोपा। कौन सा, पोपा, कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। क्या नाम है, पोपा, कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। और किलिमंजारो, ये अफ्रीका में भी स्थित है। किलिमंजारो कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। और माउंट इकोन कपाओ ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है। साउथ अमेरिका में कौन सा है, अमेरिका है। साउथ अमेरिका में कौन सा है, माउंट इकोन का गोवा, ये गोवा लिखा हुआ है बाद में। ठीक है, गोवा, माउंट इकोन का गोवा, इकोन का गोवा,
ठीक है, माउंट इकोन का गोवा कहाँ स्थित है, साउथ अमेरिका में स्थित है। तो तीनों के तीन तीन हमने जाने जो सबसे ज़्यादा प्रमुख थे और जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद थी, उन्हीं प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं, एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, तीन, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय जिसमें बार बार उद्गार होता रहता है, और कलायु मोना लोआ कहाँ स्थित है, यूएसए में, बैरन द्वीप भारत में, एटना इटली में, एटना इटली, स्ट्रामबोली इटली, ठीक है, विसुवियस इटली, ये सभी तीनों के तीनों कहाँ, इटली में स्थित है। सुसुप्त ज्वालामुखी में क्या है, लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है लेकिन होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें नारकोंडम कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में, ठीक है, कैरेकटाओ इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा जापान में स्थित है। वहीं मृत ज्वालामुखी की बात करें तो जिसमें लंबे समय से कोई भी उद्गार नहीं हुआ हो और ना ही होने की संभावना हो, जैसे कोपा म्यांमार में स्थित है, किलिमंजारो अफ्रीका में, और माउंट इकोन का गोवा कहाँ स्थित है, साउथ अमेरिका में। इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ना तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ज्वालामुखी का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। यही था इसमें आपके जानने के लिए, बस आपको अब दो यहाँ पर फैक्ट्स और जान लेने हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके जो है ये जान लेने हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा होता है, ओजोस डेल सैल्डो, ठीक है। अगर आप इस पूरा नाम नहीं याद रख पा रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिले तो आप पहचान ले, तो आप इनमें से कोई एक वर्ड शैल्डो याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। शैल्डो सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, शैल्डो है। क्या है, शैल्डो है, ठीक है। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन से है, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जिसके बारे में हमने अभी जाना, क्या है, बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप। और विश्व का सबसे ज्यादा आपका क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है विश्व का, तो इसका नाम है कलायु या किलायु, ठीक है, दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कलायु कहाँ स्थित है, यूएसए में, मैंने आपको बताया था। बैरन द्वीप कहाँ है, आपका इंडिया में स्थित है, ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ है, इंडिया में है। और विश्व का सबसे ऊँचा कौन सा है, शैल्डो विश्व का सबसे ऊँचा, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भारत में बैरन द्वीप, और विश्व में कौन सा है, कलायु या किलायु। याद हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अब इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है भूकंप, अर्थक्वेक, ठीक है, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक या भूकंप। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा अर्थक्वेक है या भूकंप है वो किन किन कारणों से आता है, सबसे पहले तो यही समझिए कि भूकंप में होता क्या है भाई, वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है, कंपन फील होती है, वाइब्रेशन होता है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, घर गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती है, विद्यालय भवन और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है भूकंप के आने के, तो एक कारण तो हमने बिल्कुल अभी जाना, कौन सा, ज्वालामुखी क्रिया, कि भाई जब ज्वालामुखी फटेगा 190 डेसिबल की तीव्रता से ध्वनि निकलेगी तो वो कंपन नहीं करेगी क्या, अरे भाई करेगी कंपन, तो उसकी कंपन से क्या होगा, भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो पहला कारण हो गया। दूसरा होता है प्लेट विवर्तनिक घटना, यानी जमीन के अंदर जो प्लेट्स होती है वो खिसक जाती है तो भी उसके वजह से भी क्या होती है, भूकंप आता है। तीसरा क्या होता है, बम विस्फोट। अब भाई कहीं पर बम विस्फोट हो तो इतनी तेज आवाज होगी उससे कंपन होगी, ठीक है, तो बम विस्फोट के कारण भी ये भी एक कारण होता है भूकंप आने का, ठीक है। इसके साथ ही बड़े बांधों का निर्माण जब किया जाता है तो वहाँ भी क्या होता है, भूकंप आने की संभावना रहती है। अब आप कहेंगे क्या मैम बांध बनाने से भूकंप आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, कैसे, अब मान करके चलिए ये यहाँ पर आपका
एक बहुत बड़ा बांध बना दिया गया। अब बांध किस लिए बनाया जाता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी एक जगह पर इकट्ठा करके रख सके, ठीक है। अब पहले तो ये पानी फ्लो कर रहा था, लेकिन बांध बनाने के बाद ये एक जगह ऐसे स्थिर हो गया और बहुत ज्यादा पानी एक ही जगह पर स्थिर होने की वजह से ये नीचे की तरफ क्या करेगा, ये पानी दबाव डालेगा, ठीक है। वजन ज्यादा होने की वजह से ये नीचे दबाव डालेगा और इसके नीचे जो यहाँ मैग्मा भरा हुआ होगा जमीन के अंदर, ये क्या करेगा, जब ऊपर से दबाव पड़ रहा है, ये पहले ही यहाँ बहुत प्रेशर में है, तो ये इसकी बराबर से ऐसे साइड से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ की आपकी प्लेट्स होती है वो खिसकेगी, जिसकी वजह से भूकंप आने की संभावना होती है, और ये सभी इसके क्या होते हैं, अर्थक्वेक आने के कारण होते हैं। समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से क्या क्या कारण होते हैं। अब चलिए, अब हम देखेंगे इसके बारे में एक एक करके सभी फैक्ट्स। इतना आप सभी को क्लियर हो गया है, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको मैंने बताया है कि जो भूकंपीय तरंगे होती है, अर्थक्वेक वेव्स होती है, भूकंपीय तरंगे होती है, उनको सिस्मिक तरंग कहते हैं। सिस्मिक तरंग क्यों? क्योंकि इन तरंगों को हम सिस्मोग्राफ यंत्र की हेल्प से माप सकते हैं कि भूकंप कितना तेज है। इसका पता लगाने के लिए हम सिस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, जो तरंगे होती है भूकंप की, वो तीन प्रकार की होती है, ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है कि भूकंप का केंद्र कहाँ है, ठीक है। तो ये तीन तरंगों के बारे में हम जानेंगे, जिन तरंगों को हम प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं। आपसे कई बार पेपर में ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक विनाशक तरंग कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा विनाशक तरंग जो होती है वो धरातलीय तरंग होती है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे इसको एक एक करके। सो गाइज, इन तीनों तरंगों के बारे में हम इस इमेज से जानेंगे जो कि यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है। तो पहली तरंग मैंने कौन सी बताई, प्राथमिक तरंग यानी प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव को मैंने डिनोट किया है पी वेव के नाम से, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरंग कौन सी है, द्वितीयक तरंग यानी सेकेंडरी वेव, तो एस वेव के नाम से इसको डिनोट किया गया है। तो ये दोनों कैसी है, एस वेव है। ये बीच वाली कौन सी है, प्राइमरी वेव है। और तीसरी जिसका नाम है धरातलीय तरंग, इसको हमने एल से डिनोट किया है, तो ये लॉन्ग वेव्स होती है, या एल से इसीलिए इसको डिनोट किया गया है, ये धरातलीय तरंगे होती है। अब इनके तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली तरंग का नाम मैंने आपको क्या बताया, प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव। इनकी स्पीड होती है 8 से लेकर के 11 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। कितनी स्पीड होती है, 8 से लेकर 11 या 14 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड इनकी इतनी ज़्यादा। सबसे तीव्र गति वाली तरंगे कौन सी होती है, प्राथमिक तरंगे होती है। और ये केंद्र से होकर के गुजरती है, क्योंकि प्राथमिक तरंगे है तो ये बिल्कुल केंद्र से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब इसी के साथ ही हम दूसरी बात करें, दूसरी तरंगे जिनका क्या नाम है, सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंग। इनकी स्पीड होती है 6 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और आप देख पा रहे हैं कि ये केंद्र से नहीं गुजरती है। केंद्र कहाँ है, यहाँ है, ये केंद्र से नहीं गुजर रही है, ठीक है, ये केंद्र से नहीं गुजरती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी भूकंपीय तरंग केंद्र से होकर के गुजरती है, तो आप बताएंगे पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे। और तीसरी कौन सी है, धरातलीय तरंग, जिनकी स्पीड होती है 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड, और ये केवल धरातल से होकर के गुजरती है, ये केवल धरातल से होकर ही गुजरती है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक विनाशक मानी जाती है, जो हमारी तीसरे प्रकार की तरंग होती है, सबसे ज़्यादा विनाशक मानी जाती है धरातलीय तरंग। इनकी स्पीड कितनी होती है, 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमने जाना अर्थक्वेक के बारे में। अब अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ दो तीन पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जहाँ से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। तो वो क्या है, सबसे पहला तो ये है कि भूकंप का जब पता लगाते हैं, ठीक है, भूकंप का पता लगाने के लिए एक आप कह सकते हैं
कि कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाने से भूकंप का अंदेशा लगाया जा सकता है, भूकंप का पता लगाया जा सकता है, तो वह होती है रेडोन गैस। ठीक है, जब भूकंप आने को होता है तो रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, जब भूकंप आना हो या भूकंप आ चुका हो तो इसके दौरान जमीन में क्या होती है, हलचल होती है इससे पहले। ठीक है, और उस हलचल के दौरान कोई गैस रिलीज होती है जिसे हम रेडोन कहते हैं। तो इस रेडोन की मात्रा का हम पानी से, वायु से, मिट्टी से पता लगा सकते हैं, और इसकी मात्रा बढ़ने पर अंदेशा लगाया जा सकता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब इसी के साथ आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधा सीधा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इस चैप्टर का यही है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो सिस्मोग्राफ होता है। कौन सा होता है, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं। और इसी के साथ किस पैमाने पर माप सकते हैं भूकंप की तीव्रता, उसके लिए स्केल क्या है, तो रिक्टर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, रिक्टर पैमाना, तो कौन से पैमाने पर आप भूकंप की तीव्रता को मापेंगे, तो रिक्टर पैमाने पर। और किस यंत्र की सहायता से, तो सिस्मोग्राफ की सहायता से। क्लियर हो गया इतने, बहुत बढ़िया। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि एक अंक तीव्रता बढ़ने पर कितना ज्यादा नुकसान बढ़ जाएगा, अगर भूकंप की एक अंक तीव्रता बढ़ जाती है तो 10 गुना नुकसान बढ़ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक अंक तीव्रता बढ़ने से, भूकंप की एक अंक तीव्रता बढ़ने से नुकसान जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो ये आपने समझा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके भूकंप से, अर्थक्वेक से संबंधित जो हमने जाने। अब इसके साथ आपका भूकंप चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और हमारा तीसरा और आज की क्लास का आखिरी चैप्टर या आखिरी सबसे ईजी और प्यारा सा टॉपिक बचता है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर, या हम कहते हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल में हमें क्या जानना है, सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि वायुमंडल कहते किसे है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो बताइए आपके अनुसार क्या होती है परिभाषा वायुमंडल की। ठीक है, बिल्कुल, वायुमंडल की परिभाषा आपके अनुसार क्या होगी, तो गैसों का चारों ओर स्थित आवरण को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जो हमारे चारों ओर स्थित गैसें हैं, गैसों का आवरण है, उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो ये वायुमंडल है वो पृथ्वी के चारों ओर टिका है, या इसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद होती है। अब कौन कौन सी गैसें होती है जल्दी से मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी गैस कितनी मात्रा में हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहती है। तो आपको मुझे सबसे पहले तो ये बताना है कि नाइट्रोजन गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। इसी के साथ आपको ऑक्सीजन की प्रतिशत बतानी है, ट्रिक से याद करवाई थी, भूलना नहीं है, कभी भी पूछ लूंगी बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा मिलेगी, जल्दी से इनकी परसेंटेज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाई तो एक फिगर थी कलर्स वगैरह करके, लेकिन ये कलर जो है ये हमारे स्कैनर भाई साहब ने बिल्कुल उड़ा दिए हैं। तो इनको मैं एक बार फिर से, जिससे कि आपको देखने में समझ आए और अच्छा लगे, तो इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल बना देती हूँ, क्योंकि ये बने बनाए कलर्स इसके खराब हो गए, और जब तक कलरफुल ना लगे मज़ा नहीं आता सीखने में, है ना, ऐसा ही है ना, या आ जाता है आपको, बताइए आपको आ जाता है ऐसे मज़ा। अब देखिए कितना कितना प्यारा लगेगा ये, हालांकि सही नहीं हो पा रहा है इसे, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए तो काफ़ी है ना। तो चीज़ें क्लियर तो हो रही है आपको, ये मुझे बताते हुए चले, समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, सभी क्लासेस कैसी लग रही है आपको। तो ये लीजिए हमारी फिगर बिल्कुल तैयार हो गई है, अब भी तो लगी ना बहुत प्यारी सी। चलिए अब इसको हम समझेंगे उतने ही अच्छे से जितने अच्छे से मैंने इसको बनाया है। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें होती है और उनको हम याद कैसे रखेंगे। तो एक ट्रिक समझिए, सबसे पहले तो वो लोग जो हिंदी में याद रखना पसंद करते हैं सबसे पहले वो समझेंगे, देन फिर इंग्लिश में भी इसकी एक ट्रिक बताऊँगी। तो आप लोग क्या याद रखेंगे, छोड़ सबको मैं
आया बाहर, इससे आपको ये सीरियल वाइज याद हो जाएगी, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच परतें होती है हमारे वायुमंडल में। अब इनसे हम क्या समझे कि भाई छोड़ सबको मैं आया बाहर, ये कौन सी परतें हैं? तो अब मिलेंगी आपको इनसे ट्रिक। तो छोड़ से क्या बनेगा, आपको सेंटेंस याद हो गया, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ से बनेगा शोभ मंडल, ठीक है, शोभ मंडल। सबको से क्या बनेगा, समताप मंडल। मैं से क्या बनेगा, मध्य मंडल। आया से क्या बनेगा, आयन मंडल। और बाहर से क्या बनेगा, बाहरी मंडल। याद हो गया। अब ये बताइए सीरियल वाइज कि सबसे निचली परत कौन सी होती है। ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा तो आप क्या बताएंगे, क्षोभ मंडल। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो बाहरी मंडल इसको हम बोलते हैं। और समताप मंडल, ठीक है, अब इसको सीरियल वाइज, पहली क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरी मंडल। पांचों की पांचों याद हो गई आपको कौन कौन सी लेयर्स है। अब इंग्लिश में देखो, इंग्लिश वाले ध्यान दें अब, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या ट्रिक, किस ट्रिक से याद करेंगे, या फिर आपको दोनों से ही याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में इंग्लिश वाले नाम इनके देखने को मिल जाएंगे। हिंदी, भले ही आपने हिंदी लैंग्वेज चुनी हो इसमें कि भाई आपका ईवीएस का पेपर हिंदी में आए, लेकिन उसमें भी इंग्लिश के नाम आपको दे देता है एग्जामिनर। तो चलिए आप इसके लिए भी आप लोग याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक, इसके लिए मैं जगह देख लेती हूँ। यहाँ पर लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, तो आपके लिए ये एक सेंटेंस है, बताइए पढ़ के क्या लिखा है। क्या लिखा है, ट्रस्ट मी इन एग्जाम्स। क्या ये ट्रिक है? हाँ बिल्कुल ट्रिक है। अब कैसे इसकी ट्रिक को हम अलग अलग करके समझते हैं, तो सबसे पहले तो इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए और बाकी सभी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टी आर यू, ट्रस्ट को दो भागों में बांटिए। ट्रस्ट को तोड़ के आपको क्या करना है, टी आर से बनाना है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। एस टी से क्या बनता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, एस टी आर, एस टी आर ए टी ओ एस पी एच ई आर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो पहली परत कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम हिंदी में शोभ मंडल कहते हैं। एस टी से क्या बनेगी, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, और जिसको स्पीड कम लग रही है वो लाइफ खत्म होने के बाद में देखा करें, जिससे कि उनको वीडियो की स्पीड बढ़ाने की आपकी वो मिल जाती है, क्या कहते हैं उसको, आपको जो भी मिल जाती है, मतलब वीडियो की स्पीड फिर आप बढ़ा सकते हैं। एम ई से क्या बनेगा, मीजोस्फेयर, क्या बनेगा, मीजोस्फेयर, ठीक है, मध्यमंडल। आई एन से क्या बनेगा, इनोस्फेयर, ठीक है, क्या बनेगा, इनोस्फेयर, यानी आयन मंडल। और एग्जाम्स से क्या बनेगा आपका, एग्जोस्फेयर, यानी बाहरी मंडल, एग्जोस्फेयर, ठीक है, एग्जोस्फेयर। तो ये आपकी पांचों की पांचों लेयर्स इंग्लिश में भी होगी, कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, इनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये पांचों लेयर्स आपको याद हो गई, दोनों याद होनी चाहिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर का दिमाग कैसे चल रहा है आप नहीं पहचान सकते, आप आते आते कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो ये पांचों लेयर्स आपको यहाँ पर दर्शाई गई है, ये आपकी पहली है, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी और ये पांचवी। अब इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये हमें देखना है। तो पहली लेयर हमारी क्या होगी, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है आपका, वायुमंडल की सभी घटनाएं या जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, ये सभी किस में होंगी, आपकी क्षोभ मंडल में होंगी, ठीक है। जहां आप रहते हैं, आप कौन से मंडल में रहते हैं, क्षोभ मंडल में ही तो रहते हैं, हवा में तो नहीं उड़ते। तो जहां आप रहते हैं उसके आसपास जो मंडल है ये क्षोभ मंडल होता है, और 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक कौन सा मंडल देखने को मिलेगा, क्षोभ मंडल मिलेगा, ठीक है, इक्वेटर पर। और अगर यहीं
पोल की बात कर ले तो पोल पर ये ऊंचाई कम हो जाती है, 8 किलोमीटर तक ही ये आपको शोभ मंडल देखने को मिलेगा। हालांकि इतना डीप नहीं पूछता है, बस आप ये समझिए कि 18 किलोमीटर तक आपका शोभ मंडल रहता है। ठीक है, अब क्या क्या होगा शोभ मंडल में? ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव होगा, सारे के सारे पक्षी शोभ मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व ये आप कहीं लिख लीजिए, पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल का होता है, तो सबसे ज्यादा घनत्व कौन से मंडल का होगा? शोभ मंडल का। सभी मौसमी घटनाएं इसी में होगी। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर लीजिए अपने फ़ोन से, और कमेंट बंद करके फ़ोन को रोटेट कर लीजिए तो आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। अब ये हमने एक पहली लेयर थी शोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, इसके बारे में जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी लेयर पर चलते हैं। दूसरी लेयर कौन सी होती है? समताप मंडल होता है। दूसरा मंडल क्या है? समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसकी क्या खास बात है? सबसे खास बात जिससे बार बार प्रश्न बनता है वो ये है कि इस मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर पाई जाती है आपकी कौन से मंडल में? समताप मंडल में। बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो ओजोन परत कौन से मंडल में मिलेगी? समताप मंडल में। और दोस्तों, ओजोन लेयर की बात आ ही गई है तो मुझे ये बताइए कि ओजोन लेयर में जो छेद हो गया है वो किसके कारण हुआ है? कौन सी गैस उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन लेयर को? ये आप कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए। और साथ ही जो ओजोन लेयर में छेद हुआ इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था ओजोन लेयर में छेद के बारे में। इसके साथ ही वायुयान कौन सी परत में उड़ते हैं या वायुयान कौन सी लेयर पर उड़ते हैं, तो ये आपको बताना होगा। तो ये वायुयान भी जो है आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक एरोप्लेन बना देती हूँ जिससे आपको ये पता रहे। ठीक है, कुछ ऐसा ही तो होता है। ठीक है, ऐसे तो ये आपका क्या है? वायुयान है। ये इधर धुआं निकल रहा है, तो ये वायुयान हो गया। वायुयान कौन सी लेयर में? समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में वायुयान उड़ते हैं। अब बारी आती है तीसरी परत की। तीसरी परत हमारी कौन सी है भाई? मध्य मंडल। शोभ मंडल, समताप मंडल के बाद छोड़ सबको, मैं से मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की क्या खास बात है? सबसे ठंडी परत यही होती है आपकी मध्य मंडल। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं और पूछा जाता है। और कितने किलोमीटर तक होती है? तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मध्य मंडल मिलेगा, और 80 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर तक आपको आयन मंडल या इनोस्फेयर देखने को मिलेगा। और आयन मंडल की क्या खास बातें हैं इसके बारे में आप समझेंगे कि इसमें एक तो उल्का पिंड चमकते हैं, साथ ही साथ जो रेडियो एक्टिव स्टेशन या रेडियो स्टेशन लगाए जाते हैं वो भी आयन मंडल में या इनोस्फेयर में लगाए जाते हैं। ठीक है, रेडियो स्टेशन। फिर इसके बाद पांचवी परत आती है, सबसे बाहरी परत, सबसे आउटर लेयर, जिसको हम कहते हैं बाहरीय मंडल या एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसकी क्या खास बात है? ये 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, और इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो आपके कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उनको इसी लेयर में रखा जाता है बाहरीय मंडल में। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहाँ रखी जाती है? बाहरीय मंडल में रखी जाती है। तो ये पांचों की पांचों परत के बारे में सारी बातें बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको क्लास कितनी समझ आई, कैसी लगी ज़रूर बताएं। और आपने आई होप अब तक ये परसेंटेज इनकी बता दी होगी, नहीं बताई है तो जल्दी से मैं बताती हूँ। लगभग 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितनी होती है? लगभग 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% या परसेंटेज के लगभग होती है आपकी किसमें? वायुमंडल में। अच्छा, मुझे ये एक क्वेश्चन और बताइए कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया तरीके से आज की क्लास आपको कैसी लगी गाइस? और क्लास पसंद आई है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, और अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आपको क्लास को ज़रूर करना है। अब आप देख लीजिए किनके पास शेयर करना है, मिनिमम 3 फ्रेंड्स के पास आज आपको आज की क्लास को शेयर करना है। एंड कमेंट करके मुझे बताइए आज की क्लास आपको कितनी समझ में आई। बाकी कल आपका इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, और मिलते हैं अब आपकी नेक्स्ट क्लास में, हिंदी की क्लास में 3 बजे। उससे पहले आपकी जो इंग्लिश की क्लास होगी आपकी 12 बजे, उसमें आप सभी को उपस्थित रहना है।
और मिलते हैं चलिए आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगली क्लास के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बचा के रखते हैं, वहाँ लेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।